हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डोरोबिन प्लस, जो कि मार्केट में बहुत ही प्रचलित है। इस दवा का प्राइस, उपयोग, साइड इफेक्ट, शॉर्ट लेम सब बताने वाला हूँ। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन वर्सेस नेचुरल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यह दवा माइक्रोन कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और डोरोबिन प्लस की एक स्ट्रिप की कीमत लगभग 69 रुपया पड़ती है। यह समय के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं, जो कि आपको कोई भी लोकल केमिस्ट के दुकान में मिल जाएंगे। इस दवा में मेनली दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, पहला एसिक्नोफिनिक जो कि दर्द को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, तथा दूसरा पैरासीटामोल जो कि बुखार को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। डोरोबिन प्लस एक दर्द निवारक गोली है जिसका इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दाढ़ दर्द या कानों में दर्द होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। डोरोबिन प्लस टेबलेट भोजन के बाद या भोजन के साथ भी लिया जा सकता है। आपको इसे नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा बताए गए सलाह के अनुसार लेना चाहिए। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे उल्टी आना, पेट दर्द, भूख में कमी, सीने में जलन और डायरिया शामिल है। अगर इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट आप परेशान हैं या समय के साथ ठीक नहीं होता है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपको वैकल्पिक दवा देकर या डोज को एडजस्ट करके आपका डॉक्टर इन साइड इफेक्ट को कम करने या उनकी रोकथाम के तरीके से आपकी मदद कर सकता है। यह दवा हर किसी के लिए उचित नहीं होता। इसे लेने से पहले अगर आपको दिल की बीमारी, किडनी, लीवर से संबंधित कोई समस्या है या पेट के अल्सर है, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। यह सुनिश्चित कर ले कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है। अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताएं जो आप पहले से ले रहे हैं। गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाले महिलाओं को यह दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इन उपयुक्त परिस्थितियों के अलावा डोरोबिन प्लस कुछ अन्य दवाओं के साथ लेने पर गंभीर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, और यह भी ध्यान रखें कि इसकी लत लग सकती है। मेरी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।